News 18, India. बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा दोपहर करीब 3 बजे भोजपुर पहुंचने वाली थी, लेकिन उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बज गए। और जैसे ही तेजस्वी मंच पर चढ़े, उन्हें देखने पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई। तेजस्वी की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने के चक्कर में लोगों ने एक दूसरे को धक्का दे दिया। वो कुर्सियों पर चढ़ गए, कुछ कुर्सियां भी तोड़ दी गई। भगदड़ जैसे हालात बन गए। इससे कुछ देर पहले ही मंच पर तेजस्वी का सम्मान हुआ और उनके लिए नारे लगाए गए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी ने बोलना शुरू किया, लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके बीच तेजस्वी का वीडियो बनाने की होड़ सी लग गई और इसी वजह से हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग तो कुर्सियों सहित गिर गए, लेकिन जो वीडियो बना रहे थे वो नहीं रुके। उन्होंने एक दूसरे को धक्का तक दिया, कई कुर्सियां भी तोड़ दी गई। लोगों ने मंच पर भी चढ़ने की कोशिश की, इससे मंच टूटने का खतरा मंडराने लगा। इस वजह से तेजस्वी ने खुद लोगों को रोका। हंगामा बढ़ता देखकर तेजस्वी समय से पहले भोजपुर से निकल गए और बक्सर रवाना हो गए। उधर बिहार के सिवान में हुई तेजस्वी यादव की सभा में शार्प शूटर मोहम्मद कैफ की मौजूदगी पर सियासी पारा चढ़ गया। मोहम्मद कैफ हत्या जैसे कई गंभीर मामलों में आरोपी हैं। तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा सिवान पहुंची, वहां उन्होंने सभा की, लेकिन उनकी सभा में शार्प शूटर की मौजूदगी पर विवाद हो गया, क्योंकि शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी उसी मंच पर खड़ा नजर आया जिस पर तेजस्वी यादव खड़े थे। सिवान में तेजस्वी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन इन्हीं नेताओं के बीच मौजूद एक चेहरे ने सबका ध्यान खींच लिया, क्योंकि तेजस्वी के मंच पर लंबे बालों वाला शार्प शूटर मोहम्मद कैफ भी नजर आया। सिवान में जिस समय भीड़ ने तेजस्वी के लिए शोर किया, उस समय ये हत्या जैसे मामलों में आरोपी मंच पर खड़ा दिखा। अपनी जन विश्वास यात्रा लेकर सिवान पहुंचे तेजस्वी ने मंच से लोगों में जोश भरा, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी सभा में एक शार्प शूटर की मौजूदगी पर सियासी बवाल हो गया, क्योंकि बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कुछ और तस्वीरें शेयर कर दी। इन तस्वीरों में तेजस्वी मोहम्मद कैफ से हाथ मिलाते और उससे बात करते दिखे। खबर है कि तेजस्वी की सभा से पहले उनकी और मोहम्मद कैफ की सर्किट हाउस में मुलाकात हुई। ये तस्वीरें उसी समय की थी। मोहम्मद कैफ सिवान के चर्चित राजदेव रंजन मर्डर केस में आरोपी है। उसका नाम सांसद शहाबुद्दीन के भांजे के हत्याकांड में भी आ चुका है। मोहम्मद कैफ पर 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। और इन मामलों में कई में मोहम्मद कैफ जेल भी जा चुका है। यही वजह रही कि मोहम्मद कैफ की तेजस्वी के मंच पर मौजूदगी पर सियासत गर्मा गई। और बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी आरजेडी पर निशाना साधा। स्वाभाविक है, जो उनकी विचारधारा रही है तो अपराधी गुंडा लंपट यही तो पूंजी है। विरोधियों के हमले के बीच आरजेडी नेता इस मुद्दे पर बोलने से बचते दिखे। लेकिन तेजस्वी यादव पर नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव जी युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तेजस्वी और शार्प शूटर मोहम्मद कैफ की तस्वीरें आने के बाद खबर उड़ी कि मोहम्मद कैफ ने आरजेडी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो सिवान की सियासत में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसा दबदबा बनाना चाहता है। इधर केरल के आलपुड़ा में एक सरकारी बस आग की लपटों से गिर गई। केरल के आलपुड़ा में एक सरकारी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में जिस समय आग लगी उस वक्त उसमें 44 लोग सवार थे, लेकिन उन्हें समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद वो बस पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास से लूटे गए लैपटॉप और मोबाइल फोन के साथ ही हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जयपुर पुलिस ने पिछले 10 साल से फरार आतंकी मिराजुद्दीन को गिरफ्तार करने का दावा किया। उस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। बताया गया कि मिराजुद्दीन ने 2014 में कई जगहों पर बम धमाके करने की साजिश रची थी, हालांकि उसकी प्लानिंग नाकाम कर दी गई थी।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी की लिस्ट भी आनी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक है, 10 मार्च के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसको लेकर के ये बैठक काफी अहम है। मंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। एक दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इधर दिल्ली के अलीपुर इलाके में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के 3 गुर्गे पकड़े गए। दिल्ली के अलीपुर इलाके में पुलिस और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। कई राउंड फायरिंग होने की वजह से उनमें 2 के पैरों में गोली लग गई। इस दौरान पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। दोनों राज्यों में हमारे बातचीत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से जारी है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था, लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यूपी की फरुखाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने पर दुख जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए समझौते के तहत फरुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी को दी गई, जबकि वहां से सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते रहे हैं। उधर लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों और पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को जबरन गाड़ी में भरकर वहां से हटा दिया। ये पूरा बवाल तब हुआ जब नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। और लाख समझाने के बाद भी जब धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस सड़क पर धरना दे रहे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को उठाकर वहां से हटाती दिखी। लेकिन पुलिस के लिए मुसीबत तब खड़ी हो गई जब प्रदर्शनकारी एक दूसरे को पकड़कर सड़क पर ही लेट गए। इसीलिए उन्हें सड़क से हटाने में पुलिस के जवानों के पसीने छूट गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह जोर जबरदस्ती कर उन्हें खींच कर सड़क से हटाना शुरू किया। इसी वजह से कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। उनके बीच नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक महिला प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठी दिखाई दी। उसे वहां से उठाने के लिए कुछ अधिकारी समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ देर तक समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो उसे भी उठाकर पास में खड़ी बस में बैठा दिया गया। इसी तरह कई दूसरे प्रदर्शनकारियों को भी जबरन वहां से हटा दिया गया और सभी को बस में भरकर शहर में मौजूद धरना स्थल इको गार्डन ले जाया गया। इस दौरान पुलिस ने